अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी आज CS50 के फाइनल टर्म के MCQs। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला MCQs कहता है जी, एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज वन इन विच यू वांट टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट MCQs है जी, सपोज दैट अ ग्राफ जी इक्वल टू वी कॉमा ई इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एडजेंसी लिस्ट, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑफ जी। तो इसका आंसर है जी लास्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है जी हमारा, द टोटल डिग्रीज ऑफ द ग्राफ इज, यहाँ पे एक डायग्राम भी दी हुई, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या है जी, वो नहीं है। अगर इसको छोड़ दें, फिर ये भी छोड़ दें। नेक्स्ट MCQs है जी, कहता है नॉन ऑप्टिमल आर ग्रीडी अल्गोरिदम फॉर मनी चेंज टैक्स, तो ये होता है ओ ब्रैकेट के। नेक्स्ट है दी हफ मैन अल्गोरिदम फाइंड्स एन डैश सॉल्यूशन, तो ये ऑप्टिमल होता है जी। नेक्स्ट है विच फार्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग रस्ट केस रनिंग टाइम, तो ये इसका ऑप्शन नंबर वन है जी इसका आंसर। नेक्स्ट है जी MCQs, द रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग सीव टेक्निक अल्गोरिदम इज व्हाट, इट इलस्ट्रेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस ऑफ, तो ये है जी डिवाइड एंड कंकर रूल। नेक्स्ट है जी, सीव टेक्निक अप्लाइज टू प्रॉब्लम्स where we are interested in finding a single item from a larger set of n items. Next, the number of nodes in a complete binary tree of height h is, तो इसे कहा जाता है 2^(h+1-1). Next, if there are एन स्क्वायर एंट्रीज इन एडिट डिस्टेंस मैट्रिक्स देन द टोटल नंबर टोटल रनिंग टाइम इज, तो यहाँ पे होगा एन स्क्वायर ही होगा, और इसके साथ ये एक ब्लैक ऑप्शन टाइप लगा हुआ है, ये आप लोग देखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा MCQs, व्हेन अ रिकर्सिव एल्गोरिथम रिविजिट्स द सम प्रॉब्लम्स ओवर एंड ओवर अगेन वी से दैट द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज डैश सब प्रॉब्लम्स, तो ये होता है ओवरलैपिंग। नेक्स्ट है ए पी इंटू क्यू मैट्रिक्स ए कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ए क्यू इंटू आर मैट्रिक्स बी, द रिजल्ट विल बी अ पी इंटू आर मैट्रिक्स सी, देन there are p into p dot r total entries in c and each takes dash to compute, तो यहाँ पे होगा zero of q। next one है जी matrix dash order is dash then the exponential time method of enumerating all possible parenthesization and checking each one, तो ये है जी इसका भी नहीं आंसर ऑप्शन। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये है जी द रिकरेंस रिलेशन ऑफ टावर ऑफ हनोई इज गिवन बेलो, तो यहाँ पे ये एक आपके सामने वन आगे देवा एफ एन इक्वल टू वन और आगे नीचे लिखा है 2t(n-1+1) एफ एन इज ग्रेटर देन वन इन ऑर्डर टू रिमूव टावर ऑफ फोर रिंग्स फ्रॉम वन पेग टू एनदर हाउ मैनी रिंग मूव्स आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे होगा जी 32 इसका आंसर। नेक्स्ट वन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ डायरेक्टेड ग्राफ मे बी, तो उसमें कितने हो सकते हैं जी, तो यहाँ पे होता है अप्रोक्सीमेटली वी स्क्वायर मोड ऑफ वी स्क्वायर। नेक्स्ट एन एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ आर अ ग्राफ क्या होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इट टू बी स्क्वायर इन शेप। ठीक है जी, नेक्स्ट है यूजिंग ASCII स्टैंडर्ड द स्ट्रिंग ए बी डैश हैश टैग फिर आगे $C
विल बी इनकोडेड डैश बाइट्स, तो ये होगा दी दिस स्ट्रिंग कैन नॉट बी स्टोर्ड यूजिंग ASCII स्टैंडर्ड, इसका ये आंसर है जी। नेक्स्ट, यूजिंग हाफ मैन इनकोडिंग टेक्निक द स्ट्रिंग ए एट द रेट फिर डॉलर साइन ए विल बी इनकोडेड विद डैश बिट्स, तो ये होगा हाफ मैन इनकोडिंग फेल एट दिस स्ट्रिंग पे। नेक्स्ट, इन फ्रिक्शनल नेपसेक वी सर्ट दी, तो यहाँ पे हम क्या सर्ट करते हैं, वैल्यू पर यूनिट वेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, द ग्रीडी पार्ट ऑफ हाफ मैन इनकोडिंग एल्गोरिथम इज टू फर्स्ट फाइंड टू नोड्स विद डैश फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे होगा स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट है जी, द कोड वर्ड असाइंड टू करेक्टर्स बाय हाफ मैन एल्गोरिथम हैव द प्रॉपर्टी, उन्हों के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दैट नो कोड वर्ड इज द प्रीफिक्स ऑफ एनी अदर। नेक्स्ट है जी, द अनडायरेक्टेड ग्राफ्स देयर, तो यहाँ पे होगा इज कन्वेंशन ऑफ ओनली बैक एजेस। नेक्स्ट है जी, इन टाइम स्टैम्प डी एफ एस फॉर द एज यू वी इफ एफ ऑफ यू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वी देन, क्या आएगा, द एज इज ट्री आर क्रॉस आर फॉरवर्ड। नेक्स्ट है जी, क्रूसकल्स अल्गोरिदम, ये क्या है जी, चूज द बेस्ट नॉन साइकिल एज के लिए होता है। लास्ट है जी, इन प्रिम्स अल्गोरिदम वो हम यूज़ करते हैं प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये थे हमारे MCQs, मजीद ऐसी फाइल्स या MCQs हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आप ये फाइल चाहते हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए भी ये फाइल हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।